गुमला में पशु की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। संगठित गिरोह के द्वारा अवैध रूप से पशुओं का तस्करी लगातार जारी है। सरकार हो या प्रशासन, तस्करी की रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि यह मामला गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के गुलाबगंज का है, जहां से पुलिस ने अभी रात्रि में लगभग 25 की संख्या में तस्करी के लिए जा रहे पशु को पुलिस ने जब्त किया है। ये पशु वध के लिए अन्य जगह ले जाया जा रहा था, जिसके बाद ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस दल बल के साथ पहुंच कार्यवाही करते हुए पशुओं को जब्त कर लिया गया। हालांकि इस कार्यवाही के दौरान पशु तस्कर भागने में सफल रहा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।